Okay, so hi everyone. In this session, we will create the designing part for the add employee form. Okay, so for that, let's open GetBootstrap.com, where you will have the documentation of your website, Bootstrap plugin. So you can go to the forms, click on the overview, search for the form. Okay, let's check which form we can reuse actually. Yeah, this form we can reuse. Okay, let's do that. Just copy this code, go here and add new employee. ये आपका heading है, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर दे, H3 यूज करते। ओके, इसके बाद एक डिवीजन में डाल दो। सबसे पहले जो भी आप कोड रहेगा आपका इस पेज का, इट शुड बी अंडर अ पैरेंट डिव, इट शुड बी पैरेंट डिव के अंदर डालो, इट विल बी इजी फॉर मैनेजिंग पर्पज। देन ये H3 के बाद एक थोड़ा HR डाल देता हूँ, डिजाइनिंग अच्छा रहेगा। फिर एक मैं व्यू ड्यू लेता हूँ, उसके अंदर फॉर्म डाल देता हूँ। Got it? Now see the output. Okay, sorry. Now we have just added some dummy fields here. So this add new employee अभी भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है. I want to make it small. So I will make it to 5. See now. अभी ठीक है. इसके बाद employee add करने के लिए क्या क्या fields हमें चाहिए? हमें चाहिए first name, last name, email address, phone number, designation, grade. So let's do that. Okay. यहाँ पे जाना है कोड में। ये पहला ग्रुप है ईमेल का, दूसरा ग्रुप है पासवर्ड का, तीसरा ग्रुप है चेकबॉक्स। चेकबॉक्स चाहिए कि आपने को नहीं चाहिए, रिमूव दैट। ओके, जो ईमेल का ग्रुप है उसको थोड़ा अच्छे से नाम देंगे अभी। ओके, ईमेल एड्रेस उसका नाम देंगे फर्स्ट नेम। ओके, उसके बाद ये थोड़ा हेल्प टेक्स्ट है, आई डोंट वांट टू डिस्प्ले दैट, सो कमेंटिंग इट। इनपुट टाइप ऑब्वियसली टेक्स्ट, फर्स्ट नेम टेक्स्ट में रहेगा। उसका जो आईडी है वो कुछ देंगे अपन, ऐसा txt ईमेल, सॉरी txt फर्स्ट नेम। ऐसा उसके बाद उसका जो आईडी है यहाँ पे डाल दो। ओके, एरिया डिस्क्राइब बाय वगैरह वगैरह रिमूव कर दो, नहीं चाहिए। मेक इट सिंपल। ओके, फर्स्ट नेम आई थिंक वी आर गुड। कॉपी करो, उसके नीचे पेस्ट करो, उसका नाम दो लास्ट नेम। यहाँ पे आएगा txt लास्ट नेम, यहाँ पे आएगा txt लास्ट नेम। ओके, हो गया। नेक्स्ट वन इज ईमेल एड्रेस, सो यहाँ पे आएगा txt ईमेल, यहाँ पे आएगा ईमेल, यहाँ पे आएगा ईमेल। नेक्स्ट वन इज फोन नंबर, फिर txt ईमेल जहाँ जहाँ पे वहाँ पे लिखना है फोन नंबर। कॉपी फोन नंबर, यहाँ पे फोन नंबर। नेक्स्ट वन, फोन नंबर के बाद रहेगा अपना आई थिंक डेजिग्नेशन का ड्रॉप डाउन और ग्रेड का ड्रॉप डाउन, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन डालना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे आएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट डेजिग्नेशन। ओके, इसका नाम रहेगा डेजिग्नेशन और ये ड्रॉप डाउन है तो ये रहेगा सिलेक्ट। ओके, इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं रहेगा, सिलेक्ट बॉक्स रहेगा। इसका नाम रहेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट डेजिग्नेशन। ओके, और इसके अंदर ऑप्शंस रहेंगे जो हम डायनामिकली पेस्ट करने वाले हैं, बट पहला ऑप्शन ऑलवेज क्या रहता है सिलेक्ट। ये हो गया आपका डिजिग्नेशन का ड्रॉप डाउन। उसके बाद ग्रेड, यहाँ पे रहेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट ग्रेड, यहाँ पे रहेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट ग्रेड, and then finally submit button. Password we don't require. See the form. We are looking for this only. First name, last name, email, mobile number, designation, grade, submit button. Okay. Submit or back button में थोड़ा space चाहिए. What I will do? I will add word class here. Margin top 5. यहाँ पे hyphen रहेगा. See the output now. Okay. और बैक बटन को हम क्या करते हैं, बीटीएन लिंक कर देते हैं, लिंक, इससे वो थोड़ा लिंक जैसा दिखेगा इस टाइप में बैक। ओके, ऐड एम्प्लॉय में ऐसा आ जाएगा। अभी आप बोलोगे कि सर इतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स तो नहीं चाहिए अपने को, छोटा चाहिए। वी कैन डू दैट, हाउ टू रिड्यूस द विड्थ। यहाँ पे व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे एक रो डालेंगे क्लास ग्रिड सिस्टम, पता है बूस्ट ट्रैप की, तो उसका यूज करके अपन ये फॉर्म का जो विड्थ है छोटा कर देंगे। ओके, ड्यू क्लास कॉल 6, ये भी 50% में डिवाइड हो जाएगा, जितना उसका विड्थ था वो अभी 50% हो जाएगा। ओके, सी द आउटपुट। आगे आई थिंक दिस इज गुड। ओके, इससे छोटा करना है तो कर सकते हो, नो इश्यूज। 6 के बजाय 4 डाल दो, 4 के बजाय 3 डाल दो, जितना आपको चाहिए। 4 देखते हैं कैसे दिखता है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, डेजिग्नेशन, ग्रेड। सबमिट करने के बाद क्या होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में जाके सबमिट होनी चाहिए। तो उसके लिए ना यहाँ पे 2-3 एट्रीब्यूट आपको लिखने पड़ेंगे। पहला एट्रीब्यूट रहेगा आपका मेथड पोस्ट, एक्शन इक्वल टू एम्प्लॉई स्लैश सेव, ये हो गया आपका पोस्ट एक्शन। ये सेव नाम का मेथड आपको इसमें लिखना है इन ऑर्डर टू सेव द इंफॉर्मेशन। ये HTTP पे पोस्ट करना है क्योंकि आपका वो फॉर्म सबमिट होने वाला है, और इसका नाम रहेगा सेव, और इसमें आएगा आपको एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन एज अ पैरामीटर, and you can use that in order to store that information in the database. We'll do it later. Don't focus on the database part. Only focus on the designing. Okay, yahan tak good. Let me run the program again. Okay, now if you see here, refresh, यहाँ पे एक ऐड का फॉर्म अपना रेडी हो गया। अभी बैक करूंगा, यहाँ पे लिस्टिंग का फॉर्म है, ऐड को क्लिक किया, ऐड का फॉर्म। ओके, नेक्स्ट थिंग इज एडिट। एडिट को क्लिक करने के बाद वो ऐड के ही फॉर्म को जाना चाहिए, लेकिन वाइल गोइंग देयर इट शुड ब्रिंग द आईडी एज वेल, मतलब 1 2 यहाँ पे URL में। जैसे वो आईडी आएगा ना, उस आईडी से हम क्या करेंगे, डेटाबेस में ढूंढेंगे कि भाई ये रिकॉर्ड अवेलेबल है क्या, वो रिकॉर्ड को उठाएंगे और इसमें डिस्प्ले कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, वी विल ओपन द प्रोवाइडेड आईडी रिकॉर्ड फॉर एम्प्लॉय इन द एडिट मोड। ओके, दैट आल्सो वी विल डू हियर। एंड डिलीट मतलब ऑब्वियसली कंफर्मेशन पॉपअप आएगा, उसके अंदर अगर आपने बोला यस आई वांट टू डिलीट, इट विल डिलीट द रिकॉर्ड। तो दिस इज द एंड रिजल्ट। सो आई थिंक वी आर डन विद द डिजाइनिंग पार्ट। लेट मी थिंक इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग। Yeah, we are done. Let's do one thing. डिलीट का भी एक पॉपअप डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे गया मैं एडिट बटन को, जब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, ये एडिट बटन को मैं एंकर कर रहा हूँ। तो आई वांट टू रिडायरेक्ट फ्रॉम करंट पेज टू एम्प्लॉई स्लैश क्रिएट, और यहाँ पे एक मेरा आईडी जाएगा। ओके, आईडी जो भी रहेगा 1 2 3, रन टाइम वो चेंज होगा, बाद में देखेंगे। उसके बाद डिलीट के लिए हम क्या करेंगे, डिलीट के लिए वी विल डू लाइक दिस, href एम्प्लॉय स्लैश डिलीट, इसमें एक आईडी भेजेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑन क्लिक पे एक कंफर्मेशन पॉपअप आएगा जावास्क्रिप्ट का, कंफर्म पॉपअप आपको पता है, ओके। उसमें हम लिखेंगे आर यू श्योर, अगर वो ट्रू रहेगा तो ही रिडायरेक्ट होगा डिलीट मेथड को, ट्रू नहीं रहेगा तो रिडायरेक्ट नहीं होगा। देखो अभी रिफ्रेश, एडिट को क्लिक किया ये जाएगा एडिट पेज में, और डिलीट को क्लिक किया ये बोलेगा आर यू श्योर, मैंने बोला नहीं मुझे नहीं करना है, फिर इसने बोला येस आर यू श्योर, मैंने बोला येस, देन इट विल गो टू द डिलीट यूआरएल। सो वी हैव टू create this delete action method as well. So I will go here, copy this, paste, make it delete. यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, उसको एक आईडी भेज सकते हैं, टीचर आईडी। तो ये आईडी को उठा के आपका क्या करोगे, उसको डिलीट कर दोगे। डिलीट होने के बाद आप क्या करोगे, रिडायरेक्ट टू एक्शन। कौन से एक्शन को भेजने वाले हो, इंडेक्स एक्शन को भेजने, मतलब वो क्या करेगा डिलीट करेगा रिकॉर्ड और फिर से इंडेक्स को भेजेगा। यहाँ पे इंडेक्स यानी अपना लिस्टिंग के पेज, यहाँ पे वो रिकॉर्ड विल नॉट डिस्प्ले एनीमोर बिकॉज दैट इज ऑलरेडी डिलीटेड। सो आई थिंक वी आर डन विद द डिजाइनिंग पार्ट, नाउ लेट्स फोकस ऑन द बैकएंड स्टफ, ओके। सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।